Good morning, children. Now, chapters are finished. One or two poems are left. On Killing a Tree, page 110. On Killing a Tree. You must have observed people cutting down trees. But can they kill a tree? Is it easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. Give Patel ne ye poem likhi hai. Give Patel. Kya ped ko kaatna itna aasan hai? Kya ped ko maar dalna itna aasan hai? Kya ye ek aasan kaam hai? Aao padhte hain is poem mein. Takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. Hide कहते हैं खाल को, right? जानवरों की खाल को. पर यहाँ पर hide का word का मतलब है पेड़ की छाल. Sprouted कहते हैं, sprout means अंकुरित होना, अंकुर निकलना. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. Now, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. So these are the 5 paragraphs. So I'm going to now explain you in Hindi, so please pay attention. I hope it's simple. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है. एक छुरे के साधारण घोपने से पेड़ को कुछ नहीं होता. कि चाकू मारा या कलाड़ी एक मारी तो पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता. It has grown slowly, consuming the earth, or rising out of it, feeding upon its crust. ये तो धीरे धीरे पृथ्वी का, लैंड का, धरती का उपयोग करके बड़ा हुआ है. उसको कंज्यूम करके ये पेड़ बड़ा हुआ है, उसमें खड़ा हुआ है, राइजिंग खड़ा हुआ है. उसकी मिट्टी को खाकर वर्षों तक धूप, हवा व पानी की सांख करके, ठीक है, धूप, हवा, सनलाइट, एयर, वाटर, पानी की सीख कर, और उसकी सफ़ेद धब्बों वाली छाल में से पत्ते फूटते रहे.
सो हैक एंड चॉप, सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. नॉट सो मच पेन विल डू इट. इसे कुल्हाड़े से काटो, चॉप, टुकड़े टुकड़े करो, परंतु केवल ऐसा करने से कुछ नहीं होता. अगर हम ऐसा करें तो इससे कुछ नहीं होगा, घायल छाल का घाव फिर से भर जाएगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. जहाँ चाकू मारा है वहाँ से रिस कर, वो फिर से घाव भर जाएगा. और धरती के बिल्कुल पास से बल खाती हुई कोपलें फूट पड़ेंगी. मिनिएचर बाउस, ग्रीन ट्विग्स, कोपलें छोटी छोटी जो ऊपर निकलती हैं. बोस कहते हैं शाखाएं, पेड़ की टहनियां. मिनिएचर कहते हैं नन्नी नन्नी नन्नी. वे नन्नी शाखाएं हैं, यदि उन्हें ना रोका गया तो फिर से पहले जैसा आकार की बन जाएंगी. अगर उनको चेक नहीं किया गया तो पहले जैसे फॉर्मल साइज, पहले जैसे वो फिर से फैल जाएगी. नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. पेड़ को काटना है ना, ऐसे नहीं, इसकी तो जड़ धरती से बाहर निकालनी है. रूट जो अंडर द ग्राउंड है उसको पुल आउट करना, जहाँ वह जमी हुई है. इसे रस्सियों से बांधना होगा, और एंकरिंग द अर्थ, इसे रस्सियों से बांधना होगा और पूर्णतः धरती की गुफा से बाहर खींचना होगा. ऐसे नहीं पेड़ कटेगा, ऐसे नहीं पेड़ मरता, जब तक उसकी सारी जड़ें जो ज़मीन में गहराई तक फंसी हुई हैं उनको पूर्णतः धरती की गुफा से बाहर खींचना होगा. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स, वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ. और इसकी शक्ति, इसकी सफ़ेद और गीली जड़ को जो इसका सबसे अधिक संवेदनशील भाग है, सेंसिटिव भाग है, और वर्षा से, बारिश से धरती के अंदर है, बाहर निकाल कर नंगा करना होगा. बाहर निकाल कर बेसहारा करना होगा. देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन. फिर काम है इसे धूप में व हवा में सुखाने का, और इसका दम घोटने का, चोकिंग, और इसका दम घोटने का, इसको सुखाने का और कठोर बनाने का, टेढ़ा मेढ़ा करने का, इसे मुरझाने का, और फिर बस इसका काम तमाम हो जाएगा. तो सुखाना पड़ेगा, फिर सूख कर वो कठोर हो जाता है, कहीं टेढ़ा, कहीं मेढ़ा, कहीं मुरझाने लग जाता है, और फिर पेड़ मर जाएगा. बहुत सिंपल पोएम थी चिल्ड्रन, राइट. तो इसमें ये जताया गया है कि एक अगर पेड़ को मारना है तो एक आसान काम नहीं है.
ठीक है बेटा, ये हिंदी में समझाया, आई होप आपको समझ लग गया। दो बार पढ़िए, दो बार सुनिए, अगर कुछ नहीं समझ आता अपनी क्वेरी मेरे से पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।